ये क्या सीन है, कराची में तो ऐसा नहीं होता। कभी आज से पहले देखा है कि दे दे जो है लिफ्ट के अंदर जा रही है, खत्म होके ये दूसरा पतीला रख दिया गया है। कराची के अंदर बिरयानी होती है मसालों वाली, मिर्चों वाली, मसालेदार, लेकिन यहाँ पे एक अलग तरीके से बिरयानी ये दे रहे हैं। उनकी बिरयानी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि उनकी बिरयानी का क्या सीन है। लाहौर में तीसरा दिन है और मैं आज आ गया हूँ दोपहर का खाना खाने वकास बिरयानी पे। और कराची वाला कैसा हो सकता है, बिरयानी मिस कर दे। भाई आपने खा ली है, क्या बात है भाई। और कराची वाला खाने आया है लाहौर में बिरयानी, मतलब लाहौर वाले कराची वाले को बिरयानी खिलाएंगे। दोपहर आए हैं तो ट्राई जरूर करेंगे वकास बिरयानी। और मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पे रश बहुत है यार, तो चले। अच्छा भाई एक दुकान इधर है, नीचे बेसमेंट में भी बैठने की जगह है, यहाँ सामने भी जगह है। उसके अलावा ये एक इनका हॉल है, इसके ऊपर एक और फ्लोर है। तो भाई ये खिला रहे हैं लाहौरियों को, और मजे की बात ये है ये चिकन खिला रहे हैं इसलिए सेफ है, बाकी आप समझदार हैं। तू मेरा पुत्र मसीह का रहे हैं, मेरा क्या मतलब है मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए ये वकास बिरयानी का हॉल है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और इसके अलावा ये है वो जगह जहाँ पे वकास बिरयानी पतीले से निकल के इन प्लेटों में जा रही है, और पतीले इनके बहुत तेज खत्म हो रहे हैं। हैं ये क्या सीन है, कराची में तो ऐसा नहीं होता। ये चावल अलग से देते हैं और उसके ऊपर जो है चिकन का पीस डालते हैं, तो ये कराची से हट के बिरयानी है। तो ये खैर लाहौर है तो लाहौर का अपना टेस्ट है, अपना खाना है, ये अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है, किसी को बीफ पसंद है, किसी को चिकन, बिरयानी बिरयानी। ये इन्होंने थैली में से निकाले चिकन के पीसेस और इनके अंदर जो मसाला लगा हुआ है, ओहो हो, पहले ये चावल डाल लें सादे इसके अंदर और उसके ऊपर चिकन के पीस डाल लें। ये जरा मेरे भाई को देखिए कैसे जो है इसका हाल तेज तेज चल रहा है, एक प्लेट जाती नहीं है कि दूसरी प्लेट आना शुरू हो जाती है। ये तीन बिरयानी के ऑर्डर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। और इसी तरह से अगर मैं मजीद अंदर देखूं तो यहाँ पे इनका एक कॉर्नर है, ओए होए ये देखे, ये लिफ्ट से ऊपर नीचे जाती है, यहाँ पे जो पतीलियाँ है जिसके अंदर बिरयानी बन के आती है ये कहीं ऊपर से बन के आ रही है, वो देखिए भाई। और ये ऊपर की तरफ जा रही है, क्या आपने कभी आज से पहले देखा है कि दे जो है लिफ्ट के अंदर जा रही है। और यहाँ बिरयानी पे अगर आप रश देखें और यहाँ पे लोगों का हाथ चलता हुआ देखें तो आपको लग पता जाएगा कि वकास बिरयानी लाहौर में कितनी फेमस है। और ये जो सेक्शन है इनका, ये सारा सेक्शन है इनका जहाँ पे ये लोगों को पार्सल करते हैं। ये देखें भाई, ये जरा ऐसे ही लोग आए, ये लोगों को फौरन दे दे और लोगों को इंतजार ना करना पड़े। कराची में बिरयानी होती है मसालों वाली और बीफ बिरयानी और नली वाली, तो आप लोगों की बिरयानी में क्या स्पेशल है? हमारी चिकन बिरयानी फेमस है, सादा फेमस है, आप खाएं चेक करें। मैंने किसी की प्लेट उठा ली है, ये चावल है और सादे चावल है, सादे चावल के ऊपर ये एक कबाब भी दे रहे हैं और उसके ऊपर ये दे रहे हैं मुर्गी का पीस जिसमें मसाला लगा हुआ है। और आप मेरे पीछे ये रश भी देख सकते हैं, इतना रश है। तो बस अब मैं भी खाऊंगा बिरयानी और आपको बताऊंगा कि कराची वाला लाहौर की इस बिरयानी के बारे में क्या कहता है। अच्छा इनकी एक और जो अच्छी बात है ना, जो यहाँ मुझे लगता है लोग खाने आते हैं, एक तो ये मार्केट के बीच में है तो लोग जो काम वाम भी करते हैं वो भी आ जाते होंगे और मार्केट वाले भी आते होंगे, क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब इस एक ट्रे में आराम से दो लोग खा सकते हैं। तो मैंने तो इसको बिरयानी नहीं बोलना, ये अच्छे चावलों के साथ, टेस्टी चावलों के साथ जो है ये चिकन का पीस है, आलू का कबाब है, और फिर इसको मैं खाता हूँ और बताता हूँ कि क्या सीन है इनकी बिरयानी का। और ये मैं बनाऊँगा इसका निवाला, थोड़े चावल और साथ में ये चिकन की बोटी, रायता गिराते हैं, सलाद डालते हैं। अब बनाना मज़ेदार वाला निवाला। गुड है लेकिन ये बिरयानी नहीं है, ये एक अच्छे चावल बने हुए, इस पे एक
एक अच्छा से कबाब है और एक अच्छा मसाला लगा हुआ चिकन का पीस है। और आपको अगर चावल नहीं खाने दिन नहीं है तो आप उसकी बोटी भी डायरेक्ट खा सकते हैं। लाहौर का सफर जारी है, मस्तियां हो रही हैं, तफरियां हो रही हैं, तो बस जुड़े रहो। अभी यहां से आगे जाने हैं और कुछ आपको दिखाने हैं। और ये है वो मोटा जी चने की वो जगह जहां से ये खिलाते हैं सबको चने। ये मैंने 1993 में शुरू किया था, उस वक्त मैं 3 किलो चने लगाता था, अब रोजाना 300 किलो और इतवार को 500 किलो। ये पाइप जो आप देख रहे हैं जो पतीली के अंदर जा रहा है, इसके पीछे क्या राज है ये मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और अभी दानियाल आया है लाहौर की उस छोटी सी गली में जहाँ पे बहुत रश होता है। एक चने की दुकान है जिसका नाम है उस्ताद मोटा जी चने वाला। और अगर मैं आपको यहाँ पे रश दिखाऊँ ना, ये मुर्ग चने हैं, इसके अंदर अंडे चने भी हैं। और इनकी जो खासियत है, इनका एक नया स्टाइल, एक नए तरीके से ये छोले जो है पतीले में डालते हैं। और एक पाइप लगा हुआ है ऊपर छत पे जहाँ पे छोले बन के नीचे वाले जगह पे आते हैं जहाँ से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसके चने की बड़ी डिमांड है और लाहौरी चने खाना बहुत पसंद करते हैं। 25-30 साल हो गए वहाँ की खिदमत करते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक पतीले पे 5 लोग एक साथ लगे हैं और 5 लोग जो है लोगों को निकाल निकाल के दे रहे हैं। और ये देखें जी, ये है वो तरी। या हा 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 हा, जी वाह जी वाह। ये पाइप जो आप देख रहे हैं जो पतीली के अंदर जा रहा है, इसके पीछे क्या राज है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये पाइप क्या है, क्यों है और कहां से आ रहे हैं। ये मैंने 1993 में शुरू किया था, उस वक्त मैं 3 किलो चने लगाता था, अब रोजाना 300 किलो और इतवार को 500 किलो। आप अपने हाथों से ही बनाते हैं? अल्लाह ताला की मेहरबानी है जी। तो आपकी छुट्टी का दिन कौन सा होता है? छुट्टी का दिन जिंदगी में कोई नहीं है। तो आप भी रोज सुबह चने से नाश्ता करते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह चने ही खाते हैं। ये चने मियांवाली के होते हैं। अच्छा। और हम लाहौर मंडी से लेते हैं। ये माँ की दुआ है, अल्लाह ताला की रहमत है, उसके बाद हमारी मेहनत है। अच्छा 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 भाई, ये देखें जी, यानी के यहाँ ये ऊपर से चने बना बना के पतीली में डालते हैं। इनकी खासियत ये है कि अपने हाथ से अपनी आंखों के सामने सारा काम कराते हैं और छुट्टी का एक दिन भी नहीं है। अच्छा भैया, ये इलाका कौन सा है? ये इलाका चा मीना मक्खनपुरा मोड़ लाहौर। और मोटा जी चने वाला तो मैंने आपको दिखाया, और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आए और खाए ना। और ये शफाकत भाई ने हमें थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दी है, हमें एक अपने साथ एक अलग कमरे में बिठाया और ज़मीन पे बैठ के जी हम खा रहे हैं। ये इस तरह की डोंगी प्लेट होती है ताकि इसके अंदर छोले रच के आए, और इसी के अंदर एक अंडा है और इसमें मुर्ग है। तो अब इसको ज़रा चखते हैं और फिर बताते हैं मोटा जी मुर्ग चने का क्या गेम है। लाहौर के अंदर इस तरह का नान होता है, कराची में तो ऐसा नहीं होता। बड़ा खूबसूरत सा ये जो डिज़ाइन बनाते हैं ना, इसके अंदर ये गोले गोले निकले हुए, और जब ये गर्म गर्म निकलता है तो बहुत ही मज़े का लग रहा होता है। अच्छा, तो मैं मुर्ग चने से इसका आगाज़ कर रहा हूँ खाने का। बिस्मिल्लाह वाला बरकत लाई। रश के पीछे काम है और काम के साथ साथ टेस्ट भी है। सुबह नाश्ता तगड़ा करो तो आपका दिन पूरा ज़बरदस्त जाए। वो कहते हैं ना कि नाश्ता करो बादशाहों वाला और खाना खाओ वज़ीरों वाला, और रात का खाना ऐसा हो गुलामों वाला। तो यहाँ पे मुझे लगता है पंजाब के अंदर कुछ ऐसा फार्मूला है। ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।